मारीना संदेश राय। स्वागत है आपका मारीना संदेश लाइव में, मैं फहद काजमी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से सुधाकर सिंह ब्यूरो चीफ के माध्यम से शिव कुमार शास्त्री एवं वनीश की विशेष रिपोर्ट है। बता दें आपको कि 7 सितंबर को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आगमन हुआ। आगमन के साथ ही आपको बताते चले कि सौगातों की बहार आ गई और प्रतापगढ़ में 2 अरब 18 करोड़ 39 लाख की 165 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इसी क्रम में बताते चले आपको कि प्रतापगढ़ जनपद अपनी ऐतिहासिक एवं पौराणिक गतिविधियों के लिए पूरी दुनिया में माना जाता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने यह कहा। साथ ही आपको बता चले कि प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र तथा 1051 यानी 1051 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का भी वितरण किया गया। बता दें आपको कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रतापगढ़ जनपद में 2 अरब 18 करोड़ 39 लाख की कुल 165 परियोजनाओं का दीप प्रज्वलन कर लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया उनमें 1 अरब 35 करोड़ 82 लाख की कुल 45 योजनाएं सम्मिलित हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग, ग्राम विकास, पशुपालन विभाग, गृह विभाग, जल निगम, स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, नगर विकास विभाग, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत की परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री द्वारा 82 करोड़ 57 लाख की कुल 120 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिनमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, माध्यमिक शिक्षा मंडी परिषद, ग्रामीण अभियंत्रण, बाल विकास, पुष्टाहार, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं डूडा की परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं। बता चले आपको कि आरंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम स्थल राजकीय इंटर कॉलेज में विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से रूबरू होते हुए योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने एक जनपद एक उत्पाद से संबंधित आंवला प्रदर्शनी के अवलोकन के समय सराहना करते हुए कहा कि आंवला उद्योग से जनपद के बेरोजगारों को बेरोजगार का अवसर मिलेगा तथा जिले के समग्र विकास होगा। इस अवसर पर उन्होंने कृषि विभाग, नेडा विभाग, उद्यान बेसिक शिक्षा सूचना विभाग, पशुपालन मत्स्य विभाग, कौशल विकास मिशन, पुलिस विभाग, डीसी, एनआरएलएम, स्वास्थ्य विभाग, दुग्ध विकास, नेहरू युवा केंद्र आदि विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा आयोजन की सराहना भी की। मुख्यमंत्री जी ने प्रदर्शनी में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में हिमांशी चौरसिया पूर्व माध्यमिक विद्यालय मल्हूपुर की छात्रा से रोलर द्वारा बिजली उत्पादन के संबंध में जानकारी प्राप्त की और कीर्ति तिवारी द्वारा इको फ्रेंडली पर लगाई गई प्रदर्शनी के संबंध में जानकारी ली एवं दीक्षा पूर्व माध्यमिक विद्यालय कटरा गुलाब सिंह की छात्रा से स्मार्ट क्लास के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज में 1051 दिव्यांग लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल का भी वितरण कर हरी झंडी दिखाकर ट्राईसाइकिल को वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मुख्यमंत्री योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समूहों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का भी वितरण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद प्रतापगढ़ अपनी ऐतिहासिक एवं पौराणिक गतिविधियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 60,000 से अधिक लाभार्थियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराकर कीर्तिमान स्थापित किया गया। इसके लिए उन्हें तत्कालीन ग्राम्य विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से जिले के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अच्छी
अच्छी शिक्षा जनपद में ही प्राप्त होगी। साथ ही कहा कि समय से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन की अपेक्षा की एवं वर्ष 2016 तक जहां प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, वर्तमान में नए 15 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जनपद के 247,423 लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभान्वित किया गया है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 115,500 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी उपलब्ध कराया गया है। आगे हम बता चले कि इसी तरीके से जनपद प्रतापगढ़ में सौगातों की बौछार रही और जनपद प्रतापगढ़ को एक नया रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम उठाया है। इसी में हम आपको बताते चले कि इस समारोह में मंच पर उपस्थित होने वालों में ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, जल शक्ति विभाग मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, सांसद प्रतापगढ़ संगम लाल गुप्ता, सांसद कौशाम्बी विनोद सोनकर, विधायक रानीगंज धीरज ओझा, विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर आर के वर्मा, एडीजी जोन सुजीत कुमार पांडे, मंडलायुक्त प्रयागराज डॉक्टर आशीष कुमार गोयल, डीआईजी केपी सिंह, जिलाधिकारी मार्कंडे शाही, पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह, मुख्य विकास अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी शत्रुघ्न वैश्य, मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीराम, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमलता सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा ओम प्रकाश त्रिपाठी, स्वामीनारायण शुक्ल, प्रदेश कार्यकारी समिति गणेश नारायण मिश्र, अवधेश मिश्र, के सिंह, जिला महामंत्री अशोक मिश्र, राजेश सिंह राय साहब सिंह, पूर्व विधायक हरि प्रताप सिंह, पूर्व विधायक ब्रिजेश सौरभ, कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि विनोद पांडे, भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी गिरीश पांडे सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति विशेष रही। कार्यक्रम का संचालन प्रयागराज के प्रसिद्ध उद्देशिका डॉक्टर रंजना त्रिपाठी ने किया, जबकि सभी के प्रति आभार भाजपा के जिला अध्यक्ष अरिओम मिश्र ने किया। मारिना संदेश लाइव के लिए सुधाकर सिंह के माध्यम से शिव कुमार शास्त्री एवं मनीष की विशेष रिपोर्ट। खबरें पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह हमारी खबरों का ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारिना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।